पूरी गाड़ी आग की लपटों से घिर गई। गनीमत रही कि कार चालक वक्त रहते कार से उतर गया था, जिससे उसकी जान बच गई। हादसा एक्सप्रेसवे पर सिग्नेचर टावर फ्लाईओवर के पास हुआ। आग बुझाने के दौरान कार चालक के साथ के हाथ भी झुलस गए। दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। टावर फ्लाईओवर पर चलती गाड़ी आग का गोला बन गई। आग बुझाने की कोशिश जब वो कार चालक कर रहा था तो उसके हाथ भी झुलस गए। जम्मू में आप शंभू मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को लेकर आज जमकर बवाल हुआ। घटना के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। हिंसा में दोनों तरफ से कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। इस वक्त हम जानीपुर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं, जहां पर ये तनाव हुआ है। आप देखेंगे यहां पर बसेस जो हैं ये मॉब ने जलाई हैं। आपको बताऊं, यहां एक आपशंभू मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है। वहां पर जो है कहा जा रहा है कुछ युवकों द्वारा वहां मंदिर में जो है वो छेड़छाड़ की गई, थोड़ी तोड़फोड़ की, जिसके बाद जो है यहाँ पे तनाव पैदा हुआ और ये तनाव इतना बढ़ गया। आप यहाँ देखेंगे कि मॉब जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करती हुई आई और यहाँ पुलिस स्टेशन जो है पीछे अगर आप देखेंगे तो ये सामने जो है वो पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर मॉब पहुंची और यहाँ पर आकर उन्होंने तोड़फोड़ जो है की, कुछ गाड़ियों को जो है आग के हवाले कर दिया। पत्थर अगर आप देखेंगे जमीन पर तो काफी बड़ी तादाद में जो है वो स्टोन पेल्टिंग भी इस इलाके में हुई है और वजह जो है बड़ी स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो तनाव है उसकी वजह यही थी कि मंदिर में जो यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है उसको लेकर लोग नाराज थे। अब कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे टियर शेल जो है वो पुलिस ने इसका इस्तेमाल किया है ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जाए। मॉब यहाँ तक पहुंची थी, यहाँ पर भी काफी तोड़फोड़ जो है वो की गई है। अभी तक जो है जिस युवक ने यहाँ तोड़फोड़ की थी मंदिर में उसको जो है वो आपको बताऊं कि हिरासत में ले लिया गया है, मगर अभी भी तनाव जो है वो बना हुआ है। नीरज कुमार के साथ अजय जिंदियाल, इंडिया न्यूज, जानीपुर, जम्मू। तो जम्मू के शंभू मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर जमकर बवाल हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की टीम पर हमला बोला। कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। तनाव का माहौल वहां पर था, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को इस सिलसिले में हिरासत में भी लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया, कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया।